हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस में आप सबों का स्वागत है। टारगेट यूपीएससी मेंस 2020 और 2021 के अंतर्गत आज हम अपने डिस्कशन में हाल फिलहाल में जारी किए गए रिपोर्ट जिसके अनुसार राज्यसभा के संसद सदस्यों का 24% आपराधिक मामलों में संलिप्तता से संबंधित है। आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के दिए गए सिलेबस जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें इस रिपोर्ट का, तो इसे तैयार किया गया है ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के द्वारा। इसे तैयार करने के लिए जो आधार रखा गया था वो जब राज्यसभा के सांसद सदस्यों के द्वारा चुनाव लड़ने के क्रम में जब स्वशपथ पत्र दाखिल किया जाता है उसमें जितने भी घोषणाएं की जाती हैं उसको ही आधार बनाकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। प्रीलिम्स के हिसाब से आप ये याद रखेंगे कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इस रिपोर्ट के अंतर्गत 233 राज्यसभा सदस्यों में से 229 सदस्यों के दिए गए डाटा का विश्लेषण किया गया, जिसमें यह पता चलता है कि 54 ऐसे सांसद सदस्य हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये कुल सदस्यों का 24% है। ऐसे ही 28 ऐसे सदस्य हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, ये कुल सदस्यों का 12% है। इसी रिपोर्ट के अंतर्गत ये भी देखा गया कि 89% ऐसे सदस्य हैं जिनकी संपत्ति 1 करोड़ या फिर इससे अधिक की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जो अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भारत में आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए, राजनीति में आपराधिक संलिप्तता को रोकने के लिए किया गया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संविधान के अंतर्गत राजनीति के आपराधिकरण को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत ऐसे प्रावधान है जिसके माध्यम से भारत में राजनीति के आपराधिकरण को रोकने का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, जो प्रावधान किया गया है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी भी आपराधिक मामले में सजा के युक्त होने के पश्चात चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। इसी के धारा 8 के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाएगा, लेकिन यदि यह मामला अदालत में विचाराधीन है तो उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। तो यह प्रावधान किया गया है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत। आप इस सीमा को याद रखेंगे, 2 साल या फिर 2 साल से ज्यादा। यदि आप प्रीलिम्स इस बार देने के लिए जाएंगे तो आप निश्चित रूप से इसे याद करके जाएंगे। यदि आप मेंस लिखेंगे तब भी आपको अपने मेंस आंसर राइटिंग में इसे जोड़ना है। भारत में आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो राजनीति की दिशा में लगातार बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए, इस दिशा के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिसमें जो प्रावधान महत्वपूर्ण है जिसे मेंस में यूज किया जा सकता है, हम उन्हीं प्रावधानों को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ, जो मामला 2018 का है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामलों को घोषित करने और प्रकाशित करना अनिवार्य है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई संसद सदस्य है, चाहे कोई राज्यसभा का मेंबर है, लोकसभा का मेंबर है या फिर किसी विधानसभा का सदस्य है, तो उन पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं उसको पब्लिक में बताना पड़ेगा। इस बात की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2018 में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे। जिस संस्थान के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया ADR, उसके मामले भी 2002 में सुनवाई किए गए थे, यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत संघ का मामला आया, जिस मामले में यह कहा गया था कि सभी उम्मीदवार जब अपने शपथ पत्र को दाखिल करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाते हैं, तो रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि RO के पास अपने ऊपर जितने भी लंबित या फिर
आपराधिक मामले दर्ज हैं उनको अपने हलफनामा में दाखिल करेंगे और आरओ को यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर को बताएंगे। इसी के आधार पर जो 2002 में फैसला सुनाया गया था उसी के आधार पर इस रिपोर्ट को भी तैयार किया गया है, तो आप इसे ध्यान रखें। जो अगला इसी से संबंधित है वो 2013 में सुनवाई किए गए मामले PUCL बनाम भारत संघ से संबंधित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में यदि नेगेटिव वोटिंग किया जाता है तो उसके बाद जो नागरिक है जिसने नेगेटिव वोटिंग किया है तो उसको वोट देने से नहीं रोका जा सकता, उसे कुछ सजाएं दी जा सकती हैं लेकिन उसके संवैधानिक अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता, उस व्यक्ति को वोट देने का प्रावधान बनाए रखना होगा। इस बात की घोषणा 2013 में की गई थी। ऐसे ही 2013 में ही लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) के अंतर्गत इस बात को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था कि यदि कोई दोषी सांसद उच्च न्यायालय के सामने दोषी सिद्ध किया जाता है उसके बाद उसको जो अपील दायर करने की समय सीमा होती है उसको समाप्त कर दिया जाए, ऐसे इसके मामले में कहा गया था, लेकिन उसे ऐसा नहीं किया गया। कहा गया कि यदि कोई संसद का सदस्य है जिस पर मामला आ चुका है कि उसने आपराधिक मामले में संलिप्तता थी तो उसे 3 महीने की अनुमति दी जाएगी, 3 महीने के बाद वो किसी भी न्यायालय में जा 3 महीने के अंदर किसी भी न्यायालय में जाकर उस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जो संसद सदस्य होते थे वो क्या करते थे कि ऐसे समय में जाकर अपील दायर करते थे जब चुनाव आने वाला होता था, इससे मामला क्या हो जाता था, लटक जाता था, और यदि मामला लटक जाता था तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत हमने देखा था कि यदि मामला लंबित है तो चुनाव लड़ा जा सकता है, तो इसी का फायदा उठाया जा रहा था। इसीलिए यह समय सीमा तय कर दी गई कि 3 महीने की अवधि के अंदर जो आपराधिक मामलों में संसद संलिप्त हैं जिनके फैसले आ चुके हैं उनको जाकर उच्च न्यायालय के अंतर्गत अपील करने का अधिकार है, तो इसे आप ध्यान रखें। जो एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया था वो पब्लिक इंटरेस्ट एंड अदर्स बनाम भारत संघ के मामले में 2014 में था। इसमें यह कहा गया था कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके जितने भी संसद सदस्य हैं या फिर गैर संसद सदस्य हैं उन पर कोई भी मामला हो तो उन मामलों को जल्दी से जल्दी सुनवाई करके निपटान किया जाए, इसका दायित्व जो है वो उच्च न्यायालय को दिया गया था। यदि उच्च न्यायालय ऐसे करने में सक्षम नहीं है तो जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको इस बारे में कारण बताना होगा। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट एंड अदर्स बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया था, तो इसे आप ध्यान रखें। इसी साल 2020 में एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा की गई, सुनवाई किया गया, आदेश दिया गया जिसके अनुसार ये है कि राजनीतिक दलों के जितने भी उम्मीदवार हैं या फिर जितने भी सदस्य हैं उनके जब चुनाव होते हैं तो किसी सदस्य को यदि चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार के रूप में रखा जा रहा है तो एक सदस्य मान लेते हैं ऐसा है जिस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, दूसरा सदस्य ऐसा है उसी पार्टी में उसी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जिस पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं है, और यदि उस व्यक्ति को चुना जाता है जिस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो यह कारण बताना होगा कि आपने उस व्यक्ति का चयन क्यों किया जिस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उस व्यक्ति का चयन क्यों नहीं किया जिस पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। यदि राजनीतिक दल इस प्रकार के घोषणा या कारण नहीं बताते हैं तो उस राजनीतिक दल पर न्यायालय के अवमानना का मामला चलाया जाएगा, यानी कि उस राजनीतिक दल पर केस किया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण घोषणा इस साल 2020 में की गई थी, तो इसे भी आप ध्यान रखें। तो 6 ऐसे प्रावधान थे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया भारत में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत भी प्रावधान किया गया है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि अभी जो रिपोर्ट दायर की गई उस रिपोर्ट
अभी जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें देखा गया कि लगभग 24% ऐसे सदस्य हैं राज्यसभा के जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब आगे किया क्या किया जाए, कैसे भारत में राजनीति के आपराधिकरण को रोका जा सकता है, आप मेंस में क्या लिखेंगे? आप मेंस में ये लिखेंगे कि राजनीतिक दलों को स्वमेव रूप से उन दागी लोगों को टिकट देने से बचना होगा जो लोग उनके दल को और भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला, जिन व्यक्तियों के विरुद्ध जघन्य प्राकृतिक आपराधिक मामलों में नाम है उन लोगों को सीधा सीधा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पर कुछ संशोधन करते हुए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। मतलब जिन लोगों पर भी जघन्य अपराध में संलिप्तता का मामला है किसी भी रूप से उनको चुनाव लड़ने से रोका ही जाए, तो ये प्रावधान किया जा सकता है। अब जो लोग चुनाव लड़के आ चुके हैं, जिन लोगों पर मामले दर्ज हैं, उनसे कैसा निपटा जाए? उनसे निपटने के लिए जो उच्च न्यायालय हैं उनके पास फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाए और जल्दी से जल्दी मामलों की सुनवाई की जाए। आप इस बात को जानते हैं कि जो संसद सदस्य होते हैं या फिर जो राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनके जो मामले होते हैं वो हाई कोर्ट के अंतर्गत ही सबसे पहले जाते हैं, वहां सुनवाई होती है, वही फैसले होते हैं, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इस बात को आप जानते हैं। जो चौथा प्रावधान किया जा सकता है वो ये कि चुनाव अभियान के दौरान जितने भी धन का उपयोग किया जा सकता है जाता है उस पर पूरा पारदर्शिता हो, ताकि इस बात का पता चले कि किसी व्यक्ति को चुनने के लिए कितने पैसे खर्च किए गए हैं, जिस व्यक्ति को चुना गया है उसने अपने आप को चयनित करने के लिए कितना पैसा खर्च किया, किस किस क्षेत्र में खर्च किया, इस प्रकार के जितने भी जानकारी हैं उनको पब्लिक में रखा जाए ताकि पूरी की पूरी पारदर्शिता बनी रहे। और अंतिम में एक अन्य प्रावधान जो हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग को इस बात का अधिकार दिया जाए कि राजनीतिक दलों के जितने भी पैसे हैं जो कहीं से भी आते हैं और कहीं भी खर्च किए जाते हैं उसको ऑडिट करने का अधिकार दिया जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, भारत में आपराधिक राजनीति के आपराधिकरण को रोकने से संबंधित जो सांविधिक प्रावधान है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वो इसके जो आगे की राह हो सकते हैं, जो सलाह हो सकते हैं, वो आपको कैसा लगा है अब जरूर कमेंट करके बताएं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।